फिल्म पाकीज़ा के दो गानों में मीना कुमारी जी थी ही नहीं, उनकी जगह उनके बॉडी डबल को यूज किया गया था। वो दो गाने कौन से हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके अलावा फिल्म पाकीज़ा से जुड़े हुए कई और इंटरेस्टिंग किस्से भी बताऊंगा। एक ऐसी फिल्म जो बॉलीवुड में कल्ट क्लासिक है, पाकीज़ा, अगर आपने देखी है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इन बातों को सुनने के बाद आई एम श्योर आपको इस फिल्म को देखने का मन जरूर करेगा। मेरा नाम है राहुल एंड दिस इज 70mm विद राहुल। पाकीज़ा का मतलब होता है साफ या प्योर, और इस फिल्म में पाकीज़ा का रेफरेंस जो है वो मीना कुमारी जी के कैरेक्टर की तरफ जाता है, जो यूं तो लखनऊ की एक तवायफ है लेकिन जिसका दिल सोने का है, उसका मन बहुत साफ है, वो बहुत ही नेक दिल औरत है, और ये पाकीज़ा उन्हीं को रेफरेंस में कहा जा रहा है। हिंदुस्तान में ये तवायफ कल्चर बहुत ही पुराना है, जहां लोग तवायफों के कोठे पर जाकर गाना सुनते थे, रंगरलियां मनाते थे, अपना दिल बहलाते थे, और इन तवायफों को किसी से दिल लगाने की, किसी से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं थी, उनका काम खाली लोगों को एंटरटेन करना था। लेकिन इस फिल्म में, पाकीज़ा में, मीना कुमारी जी को किसी से मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का डायरेक्शन, इस फिल्म का प्रोडक्शन सब कुछ किया मीना कुमारी जी के पति कमाल अमरोही साहब ने, और ये फिल्म ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपनी बीबी मुमताज महल के लिए, उसी तरह कमाल अमरोही एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो मीना कुमारी जी के टैलेंट को जस्टिफाई कर सके। तो फाइनली उन्होंने बनाई पाकीज़ा। अब बताता हूं मैं आपको फिल्म पाकीज़ा से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। इस फिल्म का मुहूर्त हुआ था 16 जुलाई 1956 में, लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई 4 फरवरी 1972 में, यानी इस फिल्म को बनने में 16 साल लग गए। 16 साल इज अ बिग पीरियड। ऐसा क्यों हुआ बताता हूं, लेकिन इन 16 सालों में बहुत कुछ चेंज आया। इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी वो बीमार पड़ गई, वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पर आ गई, म्यूजिक डायरेक्टर गुजर गए, लेकिन फाइनली पाकीज़ा बनके तैयार हुई 16 साल बाद। हाँ तो भाई, इस फिल्म को शूट होने में 16 साल क्यों लग गए? उसका सबसे बड़ा कारण है फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब, जो कि एक परफेक्शनिस्ट थे, किसी भी शॉट को ओके नहीं करते थे, 10 बार 20 बार 50 बार रीटेक करते थे, जब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती थी। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई 1956 में, जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन कुछ दिनों बाद 60s में कलर टेक्नोलॉजी आई। तब तक कमाल अमरोही साहब आधी फिल्म शूट कर चुके थे, लेकिन पाकीज़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो इसको बेहतरीन बनाना चाहते थे, तो आधी फिल्म जो ऑलरेडी वो शूट कर चुके थे उन्होंने वापस शूट की कलर में, तो समझ सकते हैं आप कितना टाइम वेस्ट हो गया। इसके अलावा कुछ दिन बाद एक नया लेंस आया जिसे कहते हैं सिनेमास्कोप। सिनेमास्कोप लेंस की वजह से फिल्म पर्दे पर बड़ी दिखती है, उसको आप ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी कमाल अमरोही साहब को पसंद आई, वो अपनी फिल्म में इस टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहते थे। उन्होंने हॉलीवुड के MGM स्टूडियो से सिनेमास्कोप लेंस लिया किराए पर और अपनी फिल्म दोबारा से शूट की इस नए सिनेमास्कोप लेंस के साथ। कैन यू बिलीव इट कि कितना टाइम गया होगा उस सेम चीज को करने में, अगेन अगेन एंड अगेन। लेकिन पाकीज़ा के बनने की दिक्कतें यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। वो जो सिनेमास्कोप लेंस लेकर आए थे कमाल अमरोही MGM स्टूडियोज से, वो थोड़ा फॉल्टी था। उससे जब फिल्म शूट की गई तो वो ठीक नहीं आई। कमाल अमरोही ने वापस MGM को कांटेक्ट किया और कहा कि आपका लेंस प्रॉब्लमेटिक है, ये ठीक नहीं है। MGM ने उस प्रॉब्लम को स्टडी किया और सॉरी बोलने के साथ साथ कमाल अमरोही को एक फ्रेश लेंस गिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिल्म की शूटिंग वापस जाके शुरू हुई, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, STD नहीं था, IST नहीं था, लोग एक दूसरे को कॉन्टैक्ट जब करते थे तो थोड़ा टाइम लगता था।
जब सात समंदर पार हॉलीवुड वालों के साथ ये बातें चल रही थी तो वो काफी लंबी चली, उसमें काफी वक्त लगा और इसीलिए ये फिल्म काफी खींच गई। लेकिन पाकीज़ा की शूटिंग में सबसे बड़ा रोड़ा तो अब आने वाला था। 1964 में मीना कुमारी जी और कमाल अमरोही साहब के बीच झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हालत ये हो गई कि दोनों एक दूसरे के साथ काम भी नहीं करना चाहते थे और पाकीज़ा जो आधे से भी ज्यादा बन चुकी थी उसकी शूटिंग ठप हो गई। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच में सेपरेशन हुआ था, डिवोर्स नहीं, दोनों एक दूसरे से लीगली अभी भी जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि झगड़ा जरा ज्यादा संगीन था, दोनों अलग हो चुके थे, अलग अलग रहते थे, मीना कुमारी जी बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गई। इसी हालत में उन्होंने शराब पीनी शुरू की और इतनी ज्यादा शराब पीनी शुरू की कि उनका लिवर खराब हो गया। 5 साल बीत गए, करीब 1969 में यह हालत हो गई कि मीना कुमारी जी को लिवर सिरोसिस हो गया। इसी बीच एंट्री हुई सुनील दत्त और नरगिस जी की। वो दोस्त थे मीना कुमारी के भी और कमाल अमरोही के भी और उन्होंने इन दोनों की सुलह कराने की सोची। एक मीटिंग अरेंज कराई गई कमाल अमरोही और मीना कुमारी जी के बीच और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि और कुछ हो ना हो पाकीज़ा को जरूर कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि एक फिल्म से कई लोगों की जिंदगियां, कई लोगों के घर जुड़े होते हैं और एक फिल्म जो करीब करीब कंप्लीट हो ही चुकी है उसको पूरा कर देते हैं ये बहुत जरूरी है। तो 16 मार्च 1969 को पाकीज़ा की शूटिंग वापस शुरू हुई। कमाल अमरोही बहुत खुश थे, उन्होंने पूरी यूनिट को पेड़े बांटे और इस तरह 5 साल बाद वापस पाकीज़ा के सेट्स पर एंट्री हुई मीना कुमारी की। लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। शराब पीने की वजह से मीना कुमारी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनका लिवर सिरोसिस बहुत ज्यादा अक्यूट हो चुका था, बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था और डॉक्टर्स ने उनको कह दिया था कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूरे दिन भर का जो प्रेशर होता है एक शूटिंग का वो मीना कुमारी जी की बॉडी नहीं ले पाती थी, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि फिल्म के दो इंपॉर्टेंट गाने मीना कुमारी जी के बॉडी डबल के साथ शूट किए जाएंगे। जो बॉडी डबल थी उनका नाम था पद्मा खन्ना। तो जो दो गाने बॉडी डबल पद्मा खन्ना जी के साथ शूट किए गए उनमें से पहला गाना था तीरे नजर देखेंगे। इस पूरे गाने में पद्मा खन्ना जी ने एक चुनरी अपने ऊपर डाली हुई है, चेहरा अपना ढका हुआ है, वो चेहरा जब उठता है तो शॉट क्लोज हो जाता है, एक अलग शॉट हो जाता है जब मीना कुमारी जी का चेहरा दिखता है, लेकिन अदरवाइज जब भी डांस होता है तो लॉन्ग शॉट है और पर्दा गिरा हुआ है, वो मीना कुमारी जी नहीं वो पद्मा खन्ना जी है। वो दूसरा गाना जिसमें मीना कुमारी जी नहीं बॉडी डबल पद्मा खन्ना है वो है द सुपर हिट सॉन्ग चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस गाने को YouTube पे भी आप देख सकते हैं और जब आप देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा आपने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन इस गाने की शुरुआत में एक सेकंड का शॉट है जब मीना कुमारी जी का चेहरा दिखाया गया है राजकुमार साहब के साथ, लेकिन उसके बाद पूरे के पूरे गाने में दूर से शॉट लिया गया है, अंधेरे में सिर्फ पीठ दिखाई गई है मीना कुमारी जी की, लेकिन वो पीठ मीना कुमारी की नहीं पद्मा खन्ना की है। घर के बुजुर्ग कहते हैं कि जब कुछ बड़ा काम होना होता है तो उसमें कई अड़चनें आती हैं। पाकीज़ा के बनने में भी कई और दिक्कतें आईं। 1956 में जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब कुछ गाने लिए गए थे गुलाम मोहम्मद साहब से, जो ऑफिशियली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लेकिन 1968 में गुलाम मोहम्मद साहब गुजर गए। अब इस फिल्म की शूटिंग वापस जब 1969 में रिज्यूम हुई, जब वापस शुरू हुई, तब ये दिक्कत आई कि बैकग्राउंड म्यूजिक कौन देगा, तो नौशाद साहब को याद किया गया जिन्होंने इस फिल्म की यूनिट को ज्वाइन किया और कुछ गाने इन्होंने इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किए एज अ बैकग्राउंड स्कोर। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब 1969 में फिल्म की शूटिंग वापस शुरू हुई तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अब ये 1969 है, अब ये 1956 नहीं है, काफी वक्त बीत चुका है,
म्यूजिक का ट्रेंड बदल चुका है। तो ये गुलाम मोहम्मद साहब के जो गाने हैं ये कुछ पुराने साउंड कर रहे हैं, इनको चेंज किया जाए, ऐसा डायरेक्टर को कहा गया, यानी ऐसा कमाल आमरोही साहब को कहा गया। लेकिन कमाल आमरोही ने कहा कि अगर गुलाम मोहम्मद साहब जिंदा होते तो मैं शायद ये गाने उनसे पूछकर चेंज करता, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं है तो मैं इस फिल्म का एक भी गाना चेंज नहीं करूंगा, जो गुलाम मोहम्मद साहब देखे गए हैं वही गाने में प्ले करूंगा। लेकिन बदलते वक्त को देखते हुए कमाल अमरोही साहब ने जितने भी ओरिजिनल गाने गुलाम मोहम्मद जी ने दिए थे उनमें से 9 गाने छोड़ दिए, बाकी सब इस्तेमाल किए। वो 9 गाने जो थे वो म्यूजिक कंपनी ने कई साल बाद 1977 में वापस रिलीज किया इन अ न्यू एल्बम कॉल्ड पाकीज़ा रंग बारंग। इतनी सारी मुसीबतों को पार करके, इतनी सारी दिक्कतों को झेल के फाइनली 3 फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई, उसी थिएटर में, उसी सिनेमा हॉल में जहां पिछले 25 सालों से DDLJ चल रही है, मुंबई का मराठा मंदिर। मैं आपको यहां ये बता दूं कि जिस रात इस फिल्म का प्रीमियर हुआ उस रात फिल्म के प्रिंट्स एक पालकी में रख के आए थे, क्योंकि पाकीज़ा में मीना कुमारी जी एक पालकी में चलती हैं, तो उसी थीम को, पालकी की थीम को रियल लाइफ में भी दिखाया गया और फिल्म के प्रिंट्स को पालकी में रख के भेजा गया। फिल्म के प्रीमियर पर एक और मजेदार एपिसोड हुआ, सारी प्रेस के सामने राजकुमार साहब ने मीना कुमारी जी का हाथ चूमा। अगर आपको याद हो इस फिल्म में राजकुमार साहब मीना कुमारी जी का लव इंटरेस्ट है और उन्होंने एक महा रोमांटिक डायलॉग भी इस फिल्म में बोला है, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। पाकीज़ा की सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, एक फाइनल परेशानी अभी भी बाकी थी। फिल्म रिलीज हुई 4 फरवरी 1972 को, लोगों ने इस फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया, लोगों को खास फिल्म समझ में नहीं आई, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को एवरेज सो-सो फिल्म कहा। लेकिन कुछ दिन बाद 31 मार्च 1972 मीना कुमारी जी की डेथ हो, उसके बाद जनता पागल हो गई, सब लोग पाकीज़ा देखना चाहते थे, सब लोग मीना कुमारी जी को एक आखिरी बार देखना चाहते थे। पाकीज़ा मीना कुमारी जी के गुजर जाने की वजह से एक कल्ट क्लासिक बन गई, एक ऐसी फिल्म बन गई जो उसके बाद 33 वीक्स तक हाउसफुल रही। पाकीज़ा उस जमाने में 1 करोड़ रुपए में बनी थी और उस जमाने में पाकीज़ा ने 6 करोड़ रुपए कमाए थे। इट वॉज अ सुपर डुपर हिट, एक ऐसी फिल्म जो कमाल अमरोही साहब ने बहुत ही प्यार से अपनी बीवी मीना कुमारी के लिए बनाई थी। पाकीज़ा इंडिया की पहली कलर्ड फिल्म थी जिसे सिनेमास्कोप लेंस के साथ शूट किया गया था। दुख की बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही, फिल्म की लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी जी, या फिर इस फिल्म का जो सुपर हिट म्यूजिक है जिसको गुलाम मोहम्मद साहब ने दिया था, इनमें से किसी को भी उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ये जस्ट बताता है कि अवार्ड्स कभी कभी कितने अनफेयर होते हैं। जिस जमाने में पाकीज़ा रिलीज हुई थी उस अर्ली 70s में बॉलीवुड पर राज कर रही थी मुमताज। मुमताज के बारे में एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हमने बनाया है जिसे आप जरूर देखिएगा यहां पर, और इस वीडियो के बारे में कुछ कहना हो तो मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कहो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अपना ध्यान रखिए, हमारे अगले वीडियो आने तक, तब तक टाटा।